सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल दिल्ली और कई राज्यों में भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण कई जगहों पे पानी भरा हुआ था। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मंत्री, जितना उनसे बन सका उन्होंने मौके पे जाकर काम किया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाकर और जो जरूरी इंतजाम हो सकता था वो इंतजाम किया। लेकिन इस बीच एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। दिल्ली के एलजी महोदय पूरी तरह से शांत है, मौन है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि मयूर विहार फेज थ्री के इलाके में दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे डीडीए की तरफ से, डीडीए यानी जो सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी महोदय के अधीन आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी है उसके अधीन आता है, वहां पर एक नाले का पुनर्निर्माण हो रहा था। ये उसकी तस्वीरें हैं नाले की। ये नाले की तस्वीरें हैं और इतनी बड़ी घोर लापरवाही का मामला सामने आया है कि ये नाले को ढका तक नहीं गया। कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है। और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की, वो इस नाले में गिर गई, बच्चा, और उसको बचाने के, 2.5 साल का बच्चा जो गिरा इस नाले में, उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। ये हादसा नहीं है, हत्या है, हत्या। ये हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? ये नाले को खुला रखने वाले लोग, ये निर्माण के लिए कोई सावधानी न बरतने वाले डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।